अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत तो होंगे। आज जुमा है, आप सभी को जुमा मुबारक हो। और बताना ये था कि अहमद रजा भाई जो है, रात में उनको एयरपोर्ट पे मैं छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद वहाँ से वो उनकी फ़्लाइट थी 2 बजे, 2 बजे वो पहुँचे, वो 4 बजे दम्माम दम्माम आज सुबह 8 बजे फ़्लाइट थी। मैं फ़ोन करके पूछा उनसे तो बोले कोई दिक्कत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है आराम फ़्लाइट में ही बैठे थे। मैं 7:30 बजे फ़ोन किया तो फ़्लाइट में बैठे थे। बोले अब यहाँ से उड़ेगी तो इंडिया इंशाल्लाह, तो आज हो सकता है 3 बजे, वही जो है 2:30 बजे इंशाल्लाह वो इंडिया पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं। तो आज जुमा है, इंशाल्लाह अब हम चल रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने हरम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर जुमा को हम जाते हैं हरम शरीफ मदीना मनव्वरा, तो हम चल रहे हैं हरम। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आगे आप लोग को दिखाएंगे हरम का नज़ारा माशाल्लाह। इंशाल्लाह धूप माशाल्लाह आज बहुत तेज़ निकली हुई है, गर्मी कम है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी के पास आ गया हूँ। बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं हरम का नज़ारा। वहाँ आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे का हम दिखाते हैं आपको खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा। अभी सद्दाम को भी लेना है, आप लोग जानते हैं हर हफ्ते सद्दाम को भी हम लेके जाते हैं। तो अभी हम सद्दाम के घर चल रहे हैं, सद्दाम को लिवा के उसके बाद जो है हरम से निकल जाएंगे। क्योंकि अगले हफ्ते नहीं लिया गए थे तो गुस्सा कर लिया था कि अब तो चलो लेके चलते हैं उसके साथ में। आगे आप बने रहिए वीडियो में। सद्दाम के घर के पास पहुंच गए उनके पास, और ये सद्दाम देखते हैं बाहर खड़े हुए। वो देखो सद्दाम बाहर खड़ा हुआ है, ये देखिए वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सद्दाम आज देखिए मबसूत है, अगले जुमा को नाराज थे। बेल्ट वेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। सद्दाम भाई हमारे साथ जुमा जुमा जाते हैं नमाज पढ़ने हरम शरीफ में। और आप तो देखते होंगे इनका मकतबा है, बहुत अच्छे इंसान है। उसी नगर के हैं, ये गोरखपुर के पास के हैं। तो अभी जो है माते पे रुके हैं, पेट्रोल पंप पे तेल भरा रहे हैं गाड़ी में, बेंजीन पेट्रोल। तो अभी पेट्रोल भरा के फिर चल रहे हैं। सद्दाम भाई को देखिए आज एकदम पूरा दाढ़ी ओढ़ी बना के, देखिए पार्किंग बड़ी लंबी है, जाम है बहुत ज़्यादा, जाम है। अब देखिए मिल जाए पार्किंग बस, क्योंकि इसके पहले वाली पार्किंग फुल है। जबकि आज मैं पहले आया हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आया हूँ। उसके बाद भी देखिए एक पार्किंग फुल हो गई है, दूसरी पार्किंग में देखता हूँ उसमें नहीं होगा तो दूसरे में तीसरे में जाना पड़ेगा। देखते हैं मिल जाएगी इंशाल्लाह, देखते हैं। पार्किंग में ही है अभी, ये माशाल्लाह अभी हम पास आ गए हैं। दो गाड़ी, एक गाड़ी के बाद नंबर देखिए पहुँच गए गेट पर, इंशाल्लाह मिल गई पार्किंग लोगों के। ये आ गए हैं अभी, देखिए 35 पार्किंग है। चलो आ जा बाबू, 35 पार्किंग अभी। ये देख, अबे भैया काहे दे नहीं रहा, बहुत मुश्किल से निकाला पर्ची हो। ये सद्दाम पार्किंग बड़ी मुश्किल हो गई है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग मिल गई, गाड़ी हम लोग की पार्किंग में लग गई है अच्छे से। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ
है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा न। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का परीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सज